ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपकी एक्सरसाइज है 8:44, तो इसमें आप देखें जो डेटा है आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसी में आपको डेटा से सैंपल मेन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मिल जाता है, पॉपुलेशन मेन, तो गिवन है सैंपल मेन ऑफ 94.3, तो ये आपको क्या गिवन है, सैंपल मेन गिवन है, ठीक है, तो सैंपल मेन आपको दे दिया एक्स बार 94.3 है, एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 8.4, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस, तो इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम नहीं है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, और जो एंड ए सैंपल साइज ऑफ 6, सैंपल का साइज आपको दिया हुआ है 6, तो ये स्मॉल एन है, तो अब टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है दैट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज 100, कि पॉपुलेशन मीन, लेस देन की बात हुई तो ये वन हाँ अभी देख टेन लेते हैं, तो पॉपुलेशन मीन आपके पास जो है म्यू वो 100 है, तो म्यू आपको दिया हुआ 100, और इसका अगेन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने लेना है कि ये लेस देन 100 है, तो अब लेस देन टाइप का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो हमें पता चल गया लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो अब आ जाइए, अब आप स्टेप वन पर आए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो स्टेप वन वहीं से आपको मिल जाएगा, तो अब आपको पता है ये वन टेल टेस्ट है, और वन टेल टेस्ट में ये लेफ्ट टेल टेस्ट है यानी लोअर टेल टेस्ट है, अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस एच नॉट आपके पास है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 100, म्यू इज इक्वल टू 100, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन है कि म्यू इज लेस देन 100, अल्फा आपको दिया हुआ 0.05, तो ये पहला स्टेप है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में तो हम ये देख लेते हैं किस टाइप का टेस्ट है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अब स्टेप टू पर आए, स्टेप टू में हम ये देखते हैं कि जो भी हम सैंपल स्टेटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सैंपल मीन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जेड होगी या टी होगी, तो अब इसमें देखें जो सैंपल साइज आपके पास वो लेस देन 30 है, सैंपल साइज आपके पास क्या है 6, लेस देन 30 है, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वो आपके पास अननोन है, तो जब ये दो कंडीशन होती है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है आपके पास, तो इसमें जो आपका क्रिटिकल रीजन होगा वो लेफ्ट टेल में होगा, तो ये जैसे मैंने इसकी डायग्राम दिखाई हुई है, जो सारे के सारे अल्फा है 0.05, ये क्रिटिकल रीजन में है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, तो ये जो रेड पोर्शन है लेफ्ट हैंड टेल में ये रिजेक्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है आपके पास ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है जिसका एरिया जो है 0.95 है, तो अब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो टी की वैल्यू है टी के टेबल से निकालेंगे, तो हाउ टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, तो अब टी के टेबल में हमने दोनों टेल्स में एरिया गिवन होता है, तो हमें क्योंकि यहाँ पर एक टेल में एरिया मालूम है उसका ट्वाइस कर लेंगे तो हमें एरिया इन बोथ टेल्स मिल जाएगा, तो वो तो आपके पास कितना होगा 0.1, फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे, टी की वैल्यू निकालने के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए जो एन माइनस वन है, एन सिक्स है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी हो गई 5, तो अब हम टी के टेबल में जाएंगे उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 है और जो एरिया इन बोथ टेल्स है आपके पास वो 0.1 है, तो इसके अगेंस्ट हम टी की वैल्यू जो है वो पढ़ लेंगे, तो ये टी की वैल्यू मैंने पढ़ ली 2.015, आप टी के टेबल में जाके बाद में खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, तो ये मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिल गई, तो क्रिटिकल वैल्यू अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है लोअर टेल में है लेफ्ट टेल में है, तो ये नेगेटिव होगी, तो ये माइनस हम खुद अपने पास से लगाएंगे, तो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो -2.015 है, अब आ जाइए अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम ये देख लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पी और जेड, जी माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट टेल में है ना क्रिटिकल वैल्यू, तो इसलिए माइनस लगाया, नहीं आप इसको समझे मत, आप समझने पे तवज्जो देंगे तो आप फिर आपको ये नहीं पता चलेंगे मैं भाग रहा हूँ या नहीं, बोलनी आपने 2 घंटे सर उनको डाले सर बिचारी ने खाना नहीं खाया, आप उनको इसको इन तो कर दें, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ सर इन कर दें, हेलो जी सर हो रही है सर, अच्छा आ रही है और ये जो टी की क्रिटिकल वैल्यू आपके पास है लेफ्ट टेल में है तो ये नेगेटिव होगी, तो अब हम इसको टी के टेबल से पढ़ने के लिए, अब क्योंकि टी के टेबल को हमने किस तरह बनाया होता है उसमें जो है दोनों टेल्स में एरिया होता है, तो अब क्योंकि हमें वन टेल में एरिया पता है तो अब दोनों टेल्स में एरिया हम किस तरह निकालेंगे, इसका हम ट्वाइस कर लेंगे, तो 0.05 या अगर वन टेल में एरिया है तो दोनों टेल में एरिया आपके पास 0.1 आएगा, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास वो एन माइनस वन है यानी वो 6-1 5 है, तो अब हम टी के टेबल में जाएंगे उसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 5 और जो दोनों टेल्स में एरिया 0.1 उसके अगेंस्ट हम टी की वैल्यू पढ़ लेंगे, तो ये टेबल से आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा ये टी की वैल्यू आपके पास आ गई 2.015, अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हमें पता है ये टी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इससे जो क्रिटिकल वैल्यू है टी की हमारे पास वो आ गई -2.015, ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेप टू हो गया, अब आ जाए स्टेप थ्री में, अब स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, स्टेप थ्री में हम जो आपका सैंपल मीन होता है एक्स बार हम उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, तो
अब इसकी स्टैंडर्ड एरर हम मालूम करेंगे और फिर इसकी जो भी ऑब्जर्व वैल्यू उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, टी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर जो है आपके पास लार्ज पॉपुलेशन के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट टेन होता है, अगर सिग्मा पता हो यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है तो ये एस अपॉन अंडर वहां से वही बात करता हूँ, टेंशन नहीं लो मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने दोबारा इसको ऊपर से एक्सप्लेन करना, वो चीजों की वजह से दिमाग से निकल गया क्या समझ रहे थे। अच्छा, तो सिग्मा सब एक्स बार आपने निकाली, स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं आप सैंपल मीन की ना, तो सैंपल मीन की स्टैंडर्ड एरर आप निकाल रहे हैं तो ये सिग्मा सब एक्स बार कैप है एस अपॉन अंडर रूट एन। तो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 0.4 एन गिवन है, तो उसकी मदद से आपने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, सही है। अच्छा, अब जो सैंपल मीन आपके पास है ये भी आपको डेटा में गिवन है, सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन मीन है, तो अब ये जो सैंपल मीन की वैल्यू है इसको हम टी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये डेटा में आपको गिवन था, एक्स बार सैंपल मीन आपके पास 94.3 और जो पॉपुलेशन मीन है आपको वो गिवन था 100। ठीक है ना, तो इसको हमने यूज किया और जो स्टैंडर्ड एरर है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं, थर्ड स्टेप में हम उसको यूज करेंगे। तो अब टी वैल्यू हम निकालते हैं सैंपल मीन की, तो टी वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब एक्स बार कैप। तो एक्स बार रख दिया हमने 94.3 और म्यू हमने रख दिया 100 और नीचे जो स्टैंडर्ड एरर ऊपर निकाली 3.43। तो इस तरह हमें ये ऑब्जर्व टी वैल्यू मिल गई -1.66। तो अब हम देखेंगे ये जो हमने टी वैल्यू निकाली है ये किस रीजन में है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है। तो ये आपके पास डायग्राम है, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू थी -2.015। तो ये जो आपके पास टी की वैल्यू आई है -1.66। तो अब मुझे बताइए ये किस रीजन में होगी, ये जो डायग्राम है आपके पास ब्लू रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में या रेड रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो ये जो है लेस देन क्रिटिकल वैल्यू है ना -2.015, तो ये जो पोर्शन है 0 और -2.015 इसके बीच कहीं पर ये वैल्यू होगी। तो ये किस रीजन में वैल्यू है आपके पास, ये एक्सेप्टेंस रीजन में, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा अब कंक्लूजन क्या होगा, ये हम स्टेप 5 में एक सेकंड सर, जी क्या हुआ आप स्टेप 3 में जाए सर, पहले तो एक्सेप्ट जी क्या हुआ बस सर, एक्सेप्टेंस रीजन जो था वो पहले तो इस साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे था ना, वो तो भाई राइट टेल टेस्ट था ना, अब तो लेफ्ट टेल टेस्ट है ना, तो वो टेस्ट के हिसाब से होता है ना। ये जो क्वेश्चन आपने इससे पीछे गया था, तो इसमें जो आपका ये राइट टेल सर दोबारा कहें आपकी आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी, हेलो आ रही है, हेलो यस सर आ रही है, नहीं आ रही अब आ रही है मेरी आवाज, हेलो आवाज आ रही है सर, आ रही है सर, वो आपका जो भी रिजेक्शन रीजन है वो राइट टेल में है लेफ्ट टेल में, तो वो तो डिपेंड करता है ना किस टाइप का टेस्ट है। आवाज आ रही है ना जो सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं है। अच्छा, अब इससे पहले देखें जो था वो राइट टेल टेस्ट था, तो राइट टेल टेस्ट में जो रिजेक्शन रीजन है वो कौन सी टेल में था, वो राइट टेल में था, और उसके लेफ्ट पर जो सारा था आपके पास वो एक्सेप्टेंस रीजन था, सही है ना। अब ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं इसमें आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज लेस देन 100, तो ये आपके पास कौन सी टेल है, लेस देन लेफ्ट टेल है, तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो लेफ्ट टेल टेस्ट का मतलब क्या होगा कि जो सारा रिजेक्शन रीजन होगा वो अब कौन सी टेल में होगा, लेफ्ट टेल में होगा, सही है ना। तो ये आपके पास डायग्राम है, तो अब इसमें आपका जो रिजेक्शन रीजन है जिसको मैंने रेड पोर्शन से शो किया और जिसका एरिया अल्फा के बराबर है वो सारे का सारा आपकी लेफ्ट टेल में, और जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया वो आपका सारे का सारा राइट हैंड साइड पर है। समझ में आ रही बात, हाँ समझ में आ रही बात, हेलो हेलो आवाज आ रही है सर, हेलो जी आ रही है, समझ गए ना। तो अब आपने देख लिया रिजेक्शन रीजन क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, और ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है जहां पे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाल ली -2.015 टी के टेबल से, -2.015। तो ये आपकी डायग्राम हो गई कि ये क्रिटिकल वैल्यू -2.015, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो रेड कलर का एरिया है रिजेक्शन रीजन है आपके पास, और इसके राइट हैंड साइड पर ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, सही है। अब उसके बाद है, अब यहां पर ये जो हमने सैंपल मीन की टी वैल्यू निकाली है, ये टी वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1.66। अब आप ये देखिए, ये फैसला करें ये कौन से रीजन में है, ये रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में है, बताइए। -1.66 ये है आपके पास रिजेक्शन रीजन,
और ये माइनस 2.66 है, तो बताइए क्या ये माइनस 2.015 के राइट हैंड साइड पर होगी या लेफ्ट हैंड साइड पर होगी? लेफ्ट लेफ्ट पे होगी सर, लेफ्ट राइट राइट हैंड साइड राइट पे होगी, राइट पे होगी, राइट में माइनस 2.015 के राइट हैंड साइड में, यानी ये जो जीरो और माइनस 2.015 के बीच में ये पोर्शन है यहाँ पे कहीं होगी ना, ये मैंने एरो से शो किया हुआ इसको कि ये माइनस, अच्छा अच्छा सर सही से समझ गया, माइनस 1.66 ये एरो से शो किया इस पोर्शन में कहीं पर है, तो ये कौन सा रीजन है? ये एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। तो अब इसके 5 में हमारा कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्व टी वैल्यू है वो क्योंकि इनसाइड द एक्सेप्टेंस रीजन है, तो सो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 100, तो यानी जो पॉपुलेशन मीन है वो 100 से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो 100 के बराबर है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मैं एक टेस्ट आपको, चलिए एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही, अब जैसे ये आ जाए इसके ऊपर आ जाए, ये आपके पास एग्जाम्पल है, तो इसमें एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है 850 है आपके पास, अब इसको आराम से आप देखें इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है आपके पास, तो ऑन ओवर ईटिंग क्लेम दैट अमेरिकन्स आर अबाउट 10 पाउंड्स ओवरवेट ऑन एवरेज, तो ऑन एवरेज जो है अमेरिकन्स 10 पाउंड ओवरवेट है, तो ये आपका पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है म्यू 10। तो अब इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए, अब जाहिर है सारे अमेरिकन्स के बारे में क्लेम है, तो अब इसको टेस्ट करने के लिए हम जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, टू टेस्ट दिस क्लेम, तो 18 रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स वर एग्जामिन, तो ये आपके पास सैंपल साइज आपको दिया हुआ है स्मॉल एन, ये 18 है आपके पास, आपने 18 अमेरिकन को सिलेक्ट कर लिया, अब उनका एवरेज एक्सेसिव वेट आपने मालूम किया, तो डेट इज फाउंड टू बी 12.4 पाउंड, तो ये क्या चीज है आपके पास, तो ये जो सैंपल है उसका मीन है, ये एक्स बार है, सैंपल मीन है एक्स बार, और जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास वो एस, वो आपको दिया हुआ है वो 2.7 पाउंड है, अब सिग्निफिकेंस लेवल आपको दिया हुआ 0.01, ये अल्फा की वैल्यू है, तो अब इस सिग्निफिकेंस लेवल पर, तो इज देयर एनी रीजन टू डाउट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम्ड 10 पाउंड वैल्यू, तो क्या हमें कोई डाउट है कि ये जो क्लेम्ड वैल्यू है ये सही है गलत है, तो क्या मतलब है, हमसे ये नहीं कह रहा कि ये ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, डाउट का मतलब टू टेल है सर, डिग्री ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो इसमें दोनों ही बातें आ गई, तो अब स्टेप वन आप लिख लें, स्टेप वन आपने देख लिया ये टू टेल टेस्ट है, और इसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है कि मीन जो है आपके पास वो 10 पाउंड है, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीन इज नॉट इक्वल टू 100 पाउंड, और अल्फा आपको दिया हुआ था 0.05, तो ये पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्ट का, हम डिसाइड करते हैं ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, अगर वन टेल टेस्ट है तो राइट टेल डे या लेफ्ट टेल डे, फिर हम नल हाइपोथेसिस बताते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं, और अल्फा की वैल्यू बताते हैं, ये पहला स्टेप हो गया, सही है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने डिसाइड करना है कि जो आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सैंपल मीन, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन टी होगी या जेड होगी, तो अब इसमें देखें एन आपके पास क्या है, लेस देन 30 है, एन 18 है, तो सैंपल साइज आपके पास स्मॉल है, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है वो अननोन है, तो अगर सिग्मा नोन होता तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होती, सैंपल स्मॉल है, सिग्मा अननोन है, उसकी जगह एस पता है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी आपके पास, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, तो अल्फा जो होगा क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो अल्फा दोनों टेल्स में हम डिवाइड कर लेंगे, अल्फा 0.05 है, इसका हाफ राइट टेल में होगा 0.025, और उसका जो हाफ होगा वो लेफ्ट टेल में होगा, तो दोनों टेल में इक्वली डिवाइड होगा, तो देखेंगे डायग्राम दिखाई भी, अब इसमें रिजेक्शन रीजन दोनों टेल में जो रेड पोर्शन से दिखाया हुआ ये रिजेक्शन रीजन है, और बीच में जो ब्लू पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास क्या एक्सेप्टेंस रीजन है, अब हमें ये क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए, ये टी की वैल्यूज क्या होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तो ये हम टी के टेबल से जाकर निकालेंगे, तो अब अगर हम टी के टेबल में जाए, अब यहाँ पर आप देखें दोनों टेल्स में एरिया कितना आपके पास 0.025 इसमें था और 0.025 इसमें था, दोनों टेल में एरिया डिवाइड हो रहा था, तो दोनों टेल में एरिया कितना आपके पास 0.05, यानी ये अल्फा के बराबर है, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह निकालते हैं हम, एन माइनस वन से, एन 18 है आपके पास, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 17 है, तो अब हमें टी के टेबल से ये क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, तो उसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, दोनों टेल्स में एरिया जो हमें मालूम है 0.05, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन जो हमें मालूम है 17, तो टी के टेबल में जाएं, टी के टेबल में आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 17 लेनी है, और उसके अगेंस्ट जो आपने दोनों टेल्स में एरिया लेना है 0.05, तो अब इनके इंटरसेक्शन पे ये टी की वैल्यू जो है हमने पढ़ ली है 2.110, या आप खुद क्लास के बाद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, टी का टेबल आपको पढ़ना आता है, तो अब क्योंकि अब हमें क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई वो प्लस माइनस टी है, ये जो राइट हैंड साइड पर ये प्लस 2.110 है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस 2.110 है, मतलब जो स्टेप फोर में हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम क्रिटिकल वैल्यूज के साथ इसको दिखाते हैं, ये डायग्राम,
तो ये मेरा टू टेल टेस्ट था, ये क्रिटिकल वैल्यू टी के टेबल से पढ़ ली, राइट हैंड साइड पे 2.110, लेफ्ट हैंड साइड पे -2.110, दोनों टेल्स में रिजेक्शन रीजन है, बीच में एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आ जाइए, अब थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो सैंपल मीन है हम दो चीजें निकालते हैं, एक तो उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं और उसके अलावा फिर हम जो है टी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, पॉपुलेशन लार्ज है तो स्टैंडर्ड एरर सिग्मा सब एक्स बार कैप होगा एस अपॉन अंडर रूट एन। एस हमें गिवन था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज गिवन था, तो यहां से ये हमारे पास एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ गए 0.64। अब आज आप टी की वैल्यू निकाल लें, सैंपल मीन जो था वो 12.4 गिवन था, तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी वैल्यू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब एक्स बार कैप। तो एक्स बार आपको डेटा में गिवन था 12.4 और पॉपुलेशन मीन डेटा में गिवन था 10 और जो आपने एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है वो ऊपर थर्ड स्टेप पे निकाली 0.64। इसको पुट करके ये टी की वैल्यू निकाल ली 3.75। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो टी की वैल्यू है ये कौन से रीजन में है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है। अब मुझे बताइए, ये आपके सामने 3.75 ये 2.110 के राइट पर इस पोर्शन में होगा ना, राइट टेल में, तो ये कहां पे है, ये रिजेक्शन रीजन में है ना, रिजेक्शन में बिल्कुल। इसका मतलब अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, क्या हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, हम क्या रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब जब एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो किसको एक्सेप्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो यह जो आपका क्लेम है डज नॉट सीम टू बी वैलिड, ये क्लेम वैलिड नहीं है क्योंकि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये समझ गए इसका प्रोसीजर, तो यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो ये अब थ्रू आउट यही प्रोसीजर चलेगा चैप्टर 9 में भी। तो अब याद रखें, अभी जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे, सैंपल मीन के बारे में। तो अब आ जाइए, अब इसी चैप्टर में अब जो दूसरा हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है वो सैंपल प्रोपोर्शन के बारे में करना है। तो अब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है आपके पास, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, स्क्रीन नजर आ रही है, हेलो जी सर, स्क्रीन आ रही है। अच्छा, अब आ जाए, आ रही है, आ रही है। अब सेकंड टाइप का टेस्ट करते हैं, अब ये हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है जिसके बारे में हम क्लेम को वेरीफाई करेंगे वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी है। जी हाँ, पूछे क्या पूछ रहे हैं, हेलो जी सर, हाँ कुछ पूछना है आपने सर, ये अच्छा आ जाए। अब हम करेंगे जो सेकंड टाइप के हाइपोथेसिस टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। तो जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है इसको एस्टिमेट करने के लिए हम जो एस्टिमेटर या जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो सैंपल प्रोपोर्शन होता है पी बार। तो हमें पता है जो पी बार है इसकी जो स्टैंडर्ड एरर है वो सिग्मा सब पी बार होगी, और सिग्मा सब पी बार जो हमारे पास जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन होती है उसका जो स्टैंडर्ड एरर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा सब पी बार का, वो है अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। तो सिर्फ जो अब आपको फार्मूले चेंज होंगे, फार्मूले आपको याद रखने हैं, और इसमें वही है अगर आप जी आवाज बिल्कुल अजीब सी गुम गुम आ रही है, आवाज मेरी सही नहीं आ रही। अच्छा हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है आवाज, हेलो, हाँ हेलो, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है सर, आ रही है उस्मान का नया डिश लग रहा है। अच्छा ठीक है, आवाज है। तो अभी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए हम जो सैंपल प्रोपोर्शन है पी बार वो यूज करते हैं। तो जो पी बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो स्टैंडर्ड एरर होता है सिग्मा सब पी बार, सिग्मा सब पी बार। हाँ क्या हुआ, अब जो आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो उसका जो स्टैंडर्ड एरर होता है सिग्मा सब पी बार, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। और इसमें भी वही है कि अगर पॉपुलेशन स्मॉल होगी तो आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है उसको यूज करेंगे। तो अब आ जाइए, अब हम बिल्कुल वही प्रोसीजर है, अब सिर्फ हमारा डेटा जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में, टेस्ट जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में। तो अब एक्सरसाइज देखें, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, वही फाइव स्टेप्स हैं। तो एक्सरसाइज 8.6 है, तो अब इसमें एक्सरसाइज 8.6 में ये क्वेश्चन 8.9 है। तो एक केचप मैन्युफैक्चरर है, इज इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू एक्स्ट्रा स्पाइसी ब्रांड, द कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट यूज्ड ए नेशनल टेलीफोन सर्वे ऑफ 6,000 Households। तो ये उन्होंने एक सर्वे यूज किया, ये सैंपल साइज है आपके पास जो कि बहुत लार्ज है, 6,000 का सैंपल साइज है, एन है 6,000। सर जी जी क्या हुआ, हेलो जी सर, आ रही है। अच्छा 6,000 हाउसहोल्ड ये सैंपल साइज है, एंड फाउंड दैट द एक्स्ट्रा स्पाइसी केचप वुड बी परचेज बाय 335 ऑफ देम। तो अब इसमें जो लोग उस केचप को खरीदेंगे उसकी प्रोपोर्शन क्या होगी,
अब ये प्रोपोर्शन से मुताल्लिक क्वेश्चन, ये सैंपल प्रोपोर्शन पी बार आप निकाल सकते हैं इस डेटा से। तो 335 जो है वो परचेज करेंगे आउट ऑफ 6000, तो जो प्रोपोर्शन है उन लोगों की जो इसको परचेज करेंगे उसको आपने 335 को 6000 से डिवाइड करके निकाल दिया पी बार। सैंपल प्रोपोर्शन वो है 0.05583, सही है, ये आपको पी बार मिल गया। अच्छा, ए मच मोर एक्सटेंसिव स्टडी मेड 2 years अगो, 2 साल पहले जो एक्सटेंसिव स्टडी थी, अब साबित है वो पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि शोड दैट 5% ऑफ द हाउसहोल्ड्स वुड परचेज द ब्रांड देन, उस वक्त जो है 5% जो है वो परचेज करते। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दे रहा है जो 2 साल पहले परचेज कर रहे थे, ये पी की वैल्यू आपको दी हुई है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 5% या 0.05, तो बोला 2% सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा आपको दिया हुआ है 2% यानी 0.02। तो शुड द कंपनी कंक्लूड that there is an increased interest in the extra spicy flavor, increased interest ka matlab kya hai, ki greater than ya less than, ha increase ka matlab kya hoga, greater than hoga, to yahan se humko pata chal raha hai ki hamara jo alternative hypothesis hoga wo greater than type ka hoga। to ab aa jaiye, ab hum step 1 likhte hain, step 1 mein hum ye decide karenge ye kaun sa test hai, kyunki greater than mein hum interested hai increase mein, to ye one tail test hai wo greater than right hand side par hai, तो ये राइट टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है, सही है। फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि जो पी है आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वो 2 साल पहले वाला 5% है, वो 0.05 है, और अब इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये कि नहीं, अब ये इससे इंक्रीज हो गया है, पी इज ग्रेटर देन 0.05, ये 5% से ज्यादा लोग अब उस ब्रांड में इंटरेस्टेड है, अल्फा आपको दिया हुआ है 0.02, ये आपके पास स्टेप 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, स्टेप 1 या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये आप समझ गए ना, ये पॉपुलेशन मीन के बारे में हमने हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करना, बल्कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में, पी के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट है। अब स्टेप 2 में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, अब क्योंकि एन इज ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा आपको अननोन है, लेकिन अगर एन लार्ज हो तो सिग्मा मालूम हो या ना हो, आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो जो आपके पास एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन होगी होगी, पी बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन की, वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। राइट हैंड आपके पास राइट टेस्ट है तो आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो सारे के सारा राइट हैंड साइड पर होगा, ये मैंने डायग्राम से दिखाया हुआ है। तो ये अल्फा की वैल्यू है 0.02, ये क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन जो है सारे के सारा राइट हैंड साइड पर है राइट टेल में। अब ये हमें जेड डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है जेड के टेबल से, तो अब ये किस तरह निकालेंगे, अब जेड के टेबल में आपको बताएं कि आप जो ये जीरो और ये जो राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन मार्क है क्रिटिकल वैल्यू, इसके दरमियान ये पोर्शन ये एरिया निकालेंगे। तो आपको बताइए जो टोटल एरिया जीरो के राइट पे कितना होगा 0.5, इसमें से रेड पोर्शन माइनस कर दें 0.02, तो ये हमारे पास एरिया आ गया 0.048। तो अब हम जेड के टेबल में जाएंगे, वहां पर हम 0.48 को जेड के टेबल में सर्च करेंगे या उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, और इसको हम जेड के टेबल से जेड की वैल्यू पढ़ लेंगे। तो ये मैं आपको पास छोड़ रहा हूँ, आप जेड के टेबल से पढ़ लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2.05, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये 2.05 हमारी क्रिटिकल वैल्यू। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर होती तो हम माइनस लगा देते, फिर क्रिटिकल वैल्यू -2.05 होती, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन रीजन राइट हैंड साइड पर है, क्रिटिकल वैल्यू जेड की पॉजिटिव है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2.05। तो ये सेकंड स्टेप है कि इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। अब आ जाए थर्ड स्टेप पर, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं आप, थर्ड स्टेप में आप जो है थर्ड स्टेप में आप जो भी आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स है आप उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं और फिर आप उसकी टी वैल्यू या जेड वैल्यू निकालते हैं। अब तो यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, तो इसका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सब पी बार, ये होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो क्योंकि पी आपको दिया हुआ था, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, यहाँ तक क्लियर है ना, स्टेप 2 तक स्टेप 3 में जो पॉपुलेशन जो आपने सैंपल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज किया है वो आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है पी बार। तो अब इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर है उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, सिग्मा सब पी बार क्या होता है, अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। तो ये पी जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो आपके पास 5% है, तो क्यू आपके पास क्या होता है, वो 1 - p होता है। तो अगर पी आपके पास 5% है तो क्यू आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 95% होगा। ठीक है, तो ये आपने P की वैल्यू रख दी 5% यानी 0.05 और Q जो कि 1 - p है वो आपके पास है 95% यानी 0.95, सही है, और N आपको गिवन था 6000।
तो पी क्यू और एन की वैल्यू पुट करके आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकाल दी, ये आपके पास आ गई 0.0024। तो समझ गए आप स्टैंडर्ड एरर किस तरह निकाल लिया आपने, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर सैंपल प्रोपोर्शन पी बार का आपने किस तरह निकाला, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो सैंपल प्रोपोर्शन की वैल्यू जो हमें गिवन थी, अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू यानी जेड वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको सैंपल प्रोपोर्शन आपने निकाला था 0.05583। अब आप इसको जो है स्टैंडर्डाइज कर लें, जेड वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। तो अब जेड वैल्यू में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपके पास पी बार है उसमें से माइनस करेंगे पी और डिवाइड कर देंगे सिग्मा सब पी बार से। तो पी बार आपको दिया हुआ था 0.05583, इसमें से आपने माइनस कर दिए ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू जो कि 5% थी 0.05, और डिवाइड कर दिया सिग्मा सब पी बार से जो आपने ऊपर निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है 0.00274। तो इसमें पुट करके हमने ये z वैल्यू निकाल ली 2.13, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो z की वैल्यू है ये किस रीजन में है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है। तो अब आप जरा इसको देखें, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास 2.05 क्रिटिकल वैल्यू है, ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है, ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन है। तो ये मुझे बताइए ये जो वैल्यू है 2.13 ये किस रीजन में होगी, डायग्राम को देखें एक्सेप्टेंस में होगी रिजेक्शन में होगी, बताएं 2.13 और क्रिटिकल वैल्यू क्या है आपके पास 2.05। हेलो आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो रिजेक्शन में होगी, रिजेक्शन में होगी। हाँ तो 2.13 जो है इज ग्रेटर देन 2.05, तो ये इस रेड पोर्शन में कहीं पर होगी, मैंने एरो से शो किया कि इस पोर्शन में कहीं पर है रिजेक्शन में होगी, रिजेक्शन रीजन में। तो इसका मतलब क्या होगा, आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे, और उसकी जगह आप कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेट। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था कि जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो गया है, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो हम कंक्लूजन को फिर लिख देंगे जो भी हमारे पास स्टेप 5 में, एज द ऑब्जर्व्ड जेड वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन सो वी शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट, सो द करंट इंटरेस्ट इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले से अब इंटरेस्ट जो है इस ब्रांड में वो बढ़ गया है, ये हमारा कंक्लूजन है, सही है। अच्छा समझ गए आप, तो बिल्कुल देखें प्रोसीजर वही है। अब आप प्रोपोर्शन के बारे में टेस्ट कर रहे हैं, तो बस सिर्फ किस चीज का फर्क है, फर्क ये है जो अब प्रोपोर्शन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला वो अलग है, ठीक है। और फिर जो z वैल्यू है प्रोपोर्शन, अगर मीन होता तो ये x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब x बार होता, प्रोपोर्शन है तो ये p बार माइनस p डिवाइडेड बाय सिग्मा सब p बार है, सही है। तो अब आज आप इसी तरीके से हम जो है एक और क्वेश्चन जो है इसका करते हैं। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये भी क्योंकि आपके पास 2 टेल्ड है, तो ये चले मैं आपको बस छोड़ता हूँ, इसमें हुआ हुआ है, मैं कोई ऐसा करवाता हूँ जिसमें 1 टेल्ड या 2 टेल्ड वाला हो, ताकि सर जी जी हाँ हेलो सर ये जब हाँ मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन